Dear students, in 8th history, today we shall see the effect of colonial rule on tribal lives. Effect of colonial rule on tribal lives. तो आज हम देखेंगे कि tribal lives पे, tribals पे, आदिवासी जो थे, उनकी जिंदगियों पे इस colonial rule, जो British rule था, इसका क्या असर हुआ? पहले देखते हैं tribal chiefs. As we know, tribal chiefs were important before arrival of British. Britishers ke aane se pehle tribal chiefs jo the, wo apne areas ke tribals mein aadivasiyon ke matlab sardar mane jate the, unko achhe ikhtiyarat hote the. They had economic power and administered control over their territories. Unko jo hai economic power thi, wo ameer mane jate the, unko powers the, unko ek aur cheez thi, wo apne area ko administer chalate the, control karte the, aur kuch areas ko territories ko wo apna jo hai control bhi karte the. Kuch jagahon pe unki apni police bhi thi, wo isliye thi taki wo apne land rules ko decide kar sakte. Kahin pe land ka dispute ho raha hota tha ya forest management ka dispute hota tha, to wo usko apni police ke zariye un mamlon ko हल करते थे. लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया. जो चीफ्स एंजॉय कर रहे थे पावर्स, उनके जो इख्तियार थे वो खत्म हो गए, उनके जो फंक्शंस और पावर्स थे वो चेंज पूरे हो गए. उनको जो टाइटल था लैंड होल्डिंग का वो उनको मिल गया, यानी कुछ एक क्लस्टर्स ऑफ विलेज, यानी कई गांव को, आसपास के गांव को, उनको जो है वो इख्तियार, वो पावर दिया गया कि वो लैंड को होल्ड कर सके, लैंड को कंट्रोल कर सके. लेकिन एक और चीज उनको दिया गया कि उनको जो है रेंट आउट लैंड्स बट लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. वो अपनी जो है जमीन को रेंट आउट दे सकते थे, किराए पे दे सकते थे, मगर उनको एडमिनिस्टर जो पावर्स वो उनको होते थे, अपने इख्तियारात होते थे, वो हुकूमत करने के, किसी छोटे इलाके की हुकूमत करने के पावर्स थे, वो उनको खत्म हो गए. यानी जमीन को वो रखते थे, जमीन को किराए पे दे सकते थे, लेकिन पावर्स उनके खत्म हो गए. उनको जबरदस्ती ये कहा गया कि आपको ब्रिटिश रूल्स फॉलो करना था, यानी कि एक हिसाब से वो ब्रिटिशर्स के कठपुतली बन गए. ब्रिटिशर्स के एक हिसाब से वो कठपुतली जो है वो बन गए. हाँ, दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू देम, यानी उनको उनको जो है सलामी देनी, उनकी जो है हुक्म उनके मानना, उनके ऑर्डर्स मानना, वो उनको सब करना था. यानी वो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए एक तरह से. और उनका एक और काम रखा गया, उनको ड्यूटी दी गई कि वो ट्राइबल लोगों को डिसिप्लिनड बनाए ब्रिटिशर्स के मुताबिक. यानी उनको ब्रिटिशर्स कहते कि उनको कहो सिविलाइज्ड बनो उनको, यानी उन्होंने एक हिसाब से ब्रिटिशर्स ने उनको इस्तेमाल किया ट्राइबल लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इनडायरेक्टली उनको करने, ये उनको यूज किया, यानी एक कठपुतली की तरह उनको इस्तेमाल किया. उनको अथॉरिटी पावर जो अपने लोग उनके थे वो खत्म हो गए. उनमें उनमें जो अपनी ट्रेडिशनल फंक्शंस थी, यानी उनके जो ट्राइबल्स के तहीं अपने फराइज थे, बेसिक जो अपने ट्राइबल्स के काम थे, वो उनके खत्म हो गए. वो उसको नहीं कर पाए, यानी वो अब उन्हीं के, ब्रिटिशर्स के गुलाम ही बनकर रह गए. यानी अब एक चीज और हो गई कि अपने लोग जो थे उसमें उनकी अहमियत जो है वो खत्म हो गई. ये हो गया इनका चीफ्स का हाल. दूसरी तरफ देखते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, जूम कल्टिवेटर्स जो है उनके हाथ साथ क्या हाल हो गया. अब ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एक हिसाब से पसंद नहीं थे, वो इन से अनकंफर्टेबल थे. अनकंफर्टेबल का मतलब है वो उनको ठीक जचते नहीं थे, उनको इनसे परेशानी होती थी. परेशानी इस हिसाब से होती थी, वो चाहते थे कि ये कहीं सेटल हो जाए और पेजेंट्स बन जाए. पेजेंट्स यानी एक ही जगह पे रह के खेती बाड़ी करने वाले लोग बन जाए, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ना बन जाए. उससे ब्रिटिशर्स को यह फायदा था, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, उन पे पावर जमाना, वो ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल था. अगर वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के बजाय एक ही जगह सेटल हो जाते, फिर पेजेंट्स बनते, इससे ब्रिटिशर्स को उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता. और उनको एक रेवेन्यू सोर्स चाहिए था, यानी उनको एक टैक्स कंटिन्यूअसली चाहिए था. वो चाहते थे कि वो एक ही जगह सेटल हो जाए, फिर हम उनसे टैक्स लिया करेंगे और हमारी गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू रिसोर्स, आमदनी का जरिया उनको बन जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट को. इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो सेटल कहीं पे हो जाए.
अब जो है इसी सिलसिले में ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट किया, यानी जमीन की जो है वो तय किए सब मामला, उन्होंने जमीन को मेजर करवाया, उन्होंने कहा कि नहीं पहले पूरी जमीन को हम नापेंगे मापेंगे मेजर करेंगे, फिर उन्होंने लैंड राइट्स डिफाइन किए और रेवेन्यू फिक्स किया, यानी किस शख्स को कितनी जमीन मिल सकती है, कौन जमीन का मालिक है, और फिर उसी हिसाब से उन्होंने रेवेन्यू भी फिक्स किया कि किस बंदे को, किस जमीन मालिक को, किस जमीन मालिक को कितनी कितना जो है टैक्स देना पड़ेगा हमारी तरफ। उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए लोगों में, पहले लैंड सेटलमेंट फिर लोगों को बांट दिया, लोगों में दो ग्रुप्स बनाए, एक लैंड ओनर्स थे दूसरे टेनेंट्स थे। लैंड ओनर्स वो लोग होते हैं जो जमीन के असली मालिक होते हैं, जिनके नाम जमीन के कागज होते हैं। दूसरे होते हैं टेनेंट्स, टेनेंट्स वो लोग होते हैं जो काश्तकार होते हैं, जो जमींदारी करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, यानी जो दूसरे की जमीन पे मेहनत करके कमाते हैं, फिर आधा उनको उनको देना पड़ता था लैंड ओनर्स को, जो काश जिनको हम काश्तकार लोग कहते हैं। अब ये जो काश्तकार लोग होते थे उनके लिए भी एक परेशानी, ये टेनेंट्स लोग थे उनके लिए भी एक परेशानी थी, एक तो उनको रेंट देना पड़ता था लैंड ओनर्स को, यानी एक वो जो उसका किराया देना पड़ता था जमीन का, जिस जमीन पे वो खेती बाड़ी करते उसका किराया देना पड़ता था उनको पहले लैंड ओनर्स को, और दूसरी तरफ ये जो लैंड ओनर्स हैं उनको रेवेन्यू देना पड़ता था जमीन, अपनी जमीन का उनको ब्रिटिशर्स को। तो ये इनका मसला हो गया। अब झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करना इस हिसाब से उनको फेल हो गया, ब्रिटिशर्स जो इस मामले में इस पॉलिसी में बिल्कुल फेल हो गए, ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं झूम कल्टीवेटर्स उनकी बात नहीं मान पाए। क्यों नहीं मान पाए? एक मामला शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लिए ये भी रखा गया कि वो प्लो कल्टीवेशन करें। पहले अगर हम देखें झूम कल्टीवेटर्स जो होल होता है जिसको कुदाल बोलते हैं या खून हिश वन या सो कहचा आसान निब्र उसके जरिए वो खेती बाड़ी करते, उससे उनको आसान ये रहता कि लेबर अपनी लेबर वो यूज करते। अब जो सेटल्ड पेजेंट्स अगर वो बन जाते तो उसमें प्लो कल्टीवेशन उनको करनी थी, प्लो यानी उनको हल इस्तेमाल करना था, उसके लिए उनको खर्चा लगता पैसा लगता। अब जो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसमें वाटर स्केर्सिटी थी, पहाड़ी इलाके थे पानी की बिल्कुल किल्लत थी, पानी की किल्लत में प्लो कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल था, उसमें उनको प्रोडक्ट कम मिलता खर्चा ज्यादा लगता था, इसलिए उन्होंने रजिस्टर किया, उन्होंने कहा नहीं हम प्लो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, ना हम पेजेंट्स बनेंगे, हम सिंपली झूम कल्टीवेटर्स बनेंगे। पूरे जो है एरिया में सेंट्रल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पूरा सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में पूरा ये जो पूरे झूम कल्टीवेटर्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, हम कंटिन्यू करेंगे, हम सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं करेंगे। तो इससे ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई, उन्होंने ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को अलाउ किया, उन्होंने इजाजत दी कि कुछ पार्ट्स पे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, यानी झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट फिलहाल फेल हो गई। तो आगे देखते हैं बाकी चीजों पे क्या असर पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनियल रूल का, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।